नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस समय मैं कांसाबेल के बस स्टैंड में हूं और आज मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, पहले बस स्टैंड में ही सब्जी बाज़ार लगता था, लेकिन अब उसको बस स्टैंड के पीछे तरफ ले गए हैं। देखते हैं कितना फर्क पड़ा है। सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा बस स्टैंड है और आप देख रहे हैं पूरा खाली जगह है। तो इसी खाली जगह में सब्जी बाज़ार लगता था, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण इस जगह को बदल दिया गया और पीछे चला गया है। अब देखते हैं बिक्री में कितना फर्क पड़ा है। दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं सब्जी बाज़ार लगा हुआ है, तमाम प्रकार की सब्जियां हैं, हरी सब्जी है, टमाटर है और भी तरह की सब्जियां हैं। इधर भी लगी है सब्जी, इधर भी सब्जी है और इधर भी सब्जी है। वहाँ का बिक्री और यहाँ का बिक्री में कितना फर्क है बताइए? फर्क है, अच्छा बिक रहा है, कम बिक रहा है, बोलिए ना, बोलिए। अच्छा भी है, कम बिक रहा है, ज्यादा बेच रहे हैं, हाँ बताइए, आप बताइए तो क्या है बिक्री का हाल चाल? इधर बिक्री का हाल चाल एकदम वो है, नहीं बिक रहा है, इधर नहीं बिक रहा है, बस स्टैंड से आधा भी नहीं बिक रहा है, आधा भी नहीं बिक रहा है। नहीं है बिक्री पट्टा? नहीं है, नहीं है। अच्छा, बिकेगा बिकेगा, आप नया जगह में, नया जगह में है ना, इसलिए थोड़े दिन बाद अभी उधर भी मार्केट उधर भी पता कर। कितना फर्क है बताइए, बस स्टैंड में जो लगाते थे बाजार और यहाँ बाजार में थोड़ा सा फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क थोड़े है, नहीं है, लेकिन इधर आएंगे जाएंगे तो पूरा जान जाएंगे ना, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ आज लाइए, रोज नहीं लाती है। अच्छा, और तेरह जान थस नहीं लान थस? अच्छा, एक दिन। अच्छा, जगह बदलने से कितना फर्क पड़ रहा है आपको? जैसे उधर लगाते थे बाजार, अब इधर आ गए तो कितना फर्क पड़ रहा है? कितना फर्क पड़ रहा है आपको? कितना फर्क पड़ रहा है बाजार में बिक्री का? बिक्री का तो फर्क पड़ रहा है सर, उधर बैठे थे तो इधर भी नहीं, वो उधर बैठ जा रहे हैं, कहाँ बिक्री होगा? सब वापस चले जाते। सब्जी बाज़ार पहले बस स्टैंड में लगाते थे ना, बस स्टैंड में सब्जी बाज़ार लगाते थे, तो वहाँ से यहाँ आने में कितना फर्क पड़ रहा है बताइए? यहाँ नहीं है बिक्री, नहीं है, और यहाँ का बिक्री में कितना फर्क? बहुत फर्क, बहुत फर्क, यहाँ ज़्यादा बिक रहे, कम बिक का, बहुत कम बिक रहा है ऐसा, तो आप दुखी हैं? मतलब वहाँ से हटा दिए तो आप दुखी हैं? बिक्री में तो दुखी है। उधर से बाज़ार इधर आ गया तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं है, जोर से बोलिए। नहीं पड़ा सर, नहीं पड़ रहा है आप लोगों को? ठीक, नहीं पड़ा। बाकी उधर से जो आए हैं ना, उन लोग बोल रहे हैं कि हम तो मर गए, हम लोग बिक्री बट्टा नहीं हो रहा है। पता नहीं सर, हम लोग को तो नहीं फर्क पड़ा है, नहीं फर्क पड़ा, ये लाइन पूरा फर्क नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है ना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन लोग पहले से यहाँ पर सब्जी दुकान लगाते हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा सेट है, एक दो तीन चार, चार दुकान, पांच दुकान करीब यहाँ पर हैं और इनका बिक्री ठीक है बता रहे हैं, कहें कि लोग पहले से यहाँ लगाते हैं, लेकिन बस स्टैंड में लगाने वाले जो अंदर आ गए हैं उनको, उन लोग बता रहे हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया, बिक्री हो नहीं रहा है, ग्राहक पहुँच नहीं रहा है। लगाएंगे तो हाँ, धीरे धीरे पहुँचेंगे, अभी शुरू शुरू है, लोग जानेंगे तो जरूर जाएंगे। हाँ 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 अच्छा रहेगा, सारा व्यवस्था दिया गया है। हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, और बोलिए। और क्या बोले सर, सब एक जगह रहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा है कि नहीं? ग्राहक तो आएंगे तो सब घूम घूम के लेंगे। हाँ, अब नियम तो वही है कि सब्जी मार्केट एक ही जगह होना चाहिए, सब एक ही जगह होना चाहिए, है ना, सब ग्राहक आएंगे तो घूम घूम के लेंगे, ऐसे नहीं है कि हमारा ही बिक रहा है, सबका बिकेगा, सबका बिकेगा। हाँ बताइए, आपको कितना फर्क पड़ा बाजार बदलने से? ठीक है, ठीक है भैया, सब एक तरफ बैठ रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा, कुछ लोग वो किनारे में बैठे हैं, वो किनारे में उधर बैठे,
उन लोग भी तो आ सकते हैं, सबका सेट बना हुआ है, इतना सेट सेट में बैठ जाते हैं। सेट खाली है, सेट तो खाली है, यहाँ वहाँ से पूरा सेट खाली है, वहाँ बैठ जाते हैं। ये सेट सब खाली है, सब सब्जी वाला मंडी वाला का है सेट। अच्छा, सब सेट में बैठ जाते, इतना सुंदर बना दी है व्यवस्था, बना तो सेट तो है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये सब्जी वालों के लिए शेड बना हुआ है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। ये मनिहारी के लिए शेड नहीं है, ये ऐसे लगा लिए हैं। यहाँ खाली है लेकिन फिर भी सब्जी वाले इधर आ नहीं रहे हैं। जब सबका अपना अपना है तो अपना अपना में आना चाहिए ना, जब खाली करा रहे हैं, फालतू को परेशान हो रहे हैं। जो खाली है आप खाली जगह में, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे लोग लगाएंगे वहाँ, खाली रहेगा तो। आपको कैसे बिक रही है? जो बिक रहा है बिकेगा, बढ़िया बिक रहा है ना। अब जो बिकेगा बिके ना करेगा नहीं, माने मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे बस स्टैंड वाले भी इधर आ गए, तो आपकी बिक्री में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ेगा, कैसे एक जगह से एक तरफ रहते तो सबका बिकता। हाँ, बात सही, जगह तो है सबके लिए, लेकिन लोग बैठने नहीं चाहते। हाँ, बैठना नहीं चाहते। दोस्तों ये शेड आप जो देख रहे हैं ये सब्जी वालों के लिए बना हुआ है, लेकिन सब्जी वाले यहाँ नहीं बैठते हैं, तो यहाँ मनिहारी वाले बैठे हुए हैं। इधर भी पूरा शेड खाली है, ये भी सब्जी वालों के लिए है, लेकिन सब्जी वाले यहाँ भी नहीं बैठते हैं। उन लोग बस स्टैंड में बैठते थे, जब बस स्टैंड से उन्हें अलग जगह रखा गया तो लोग अपना किनारे बैठते हैं। ये देखिए, ये पूरा शेड यहाँ पर पूरा खाली है, इस शेड में तो जितना लोग बैठ सकें बैठ सकते हैं, बहुत बड़ा जगह है। कैसे होता है? का होता है? मूर्ख मुकत है। कहाँ ले मुकत है? ऊपर ले। ऊपर ले? हाँ, गंदा गंदा मुकत है, लेकिन से करो आप एक काम कराने दो, पूरा शेड खाली है, ओवर लगावा मराता है दो, वो जो शेड खाली है ओवर लगावा। सही बात है, गंद तो आ रहा है, गंद आ रहा है, गंद आ रहा है। एबट मार्केट, एबट मार्केट का किस कर गंदगी आता है? कोई नहीं, कभी वो ऊपर से जो नाक रही गंदगी, ऊपर का किस कर गंदा है? ऊपर बाथरूम वाला गंदगी, बाथरूम वाला गंदगी है। यहाँ पर नहीं, पानी जो सड़ गया है देखिए, यहाँ पर इसका बदबू बिल्कुल ऊपर से आता है। वो कहाँ से आ रहा है? कौन वाला? अरे ये नहीं है, वो इधर से आ रहा है, मेरे नाक में गया, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। अब पता नहीं ऊपर से क्या है, ऊपर में कुछ है, उधर से गंद आ रहा है। जरा सब्जी वाले यहाँ परेशान, सब्जी खरीदने वालों के लिए भी गंदगी है, सब गंदगी ही गंदगी है यहाँ पर पूरा। इसमें कुछ सड़ रहा है का? नहीं, इसमें कुछ सड़ रहा है का अंदर? किसका है दुकान है? क्या हो गया, किसका है? गंध तो आ रहा है, मेरे नाक में पड़ा, इधर ही से आ रहा है ऊपर में सर। तो हो सकता है उसको बोलना, अच्छा ऊपर पेशाब रूम है? हाँ, बाथरूम बनाया है ना ऊपर में, ऊपर में बाथरूम बनाया है। अरे उसी को साफ नहीं रख रहे। तो दोस्तों यहाँ जो सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पर एक गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, बहुत ही ख़राब दुर्गंध है। और आप देख सकते हैं नाक को बांध बांध के यहाँ बैठे हुए हैं, सब नाक को बांध रहे हैं। इधर भी देखिए नाक को बांधी हुई है, और उधर भी देखिए वो भी नाक को बांध रहे हैं। पता नहीं क्या चीज़ का गंध है, कहीं से कोई गंदगी का गंध तो आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं काहे का गंध है। अरे मूर्ख बसाता है, मूर्ख बसाता है, कहाँ बसाता है? तो का बसाते तला हमें कर देते तो किसान है, काले खन हमें करो बाजार करके हमें नहीं सकी है, हमें कैसे हमें बाजार करके नहीं सके, हमके जगह दे ही फल जिन बनाता है। तो अंदर में जगह मांगा ले, अंदर में जगह मांगा है, अब मूल मन खाता है। अंदर में जगह मांग लेवा, हमके जगह बढ़िया जगह देवा। आपको मिला है ना? नहीं मिला। नहीं मिला है? मिला है ना? नहीं मिला है। नहीं मिला है तो सेट दिलवा लूँ, सेट दिलवा दूँ। कितना नाक को दबाते रहेंगे, कितना गंध में बैठे रहेंगे, सुबह से शाम तक बीमार नहीं पड़ेंगे? बीमार फिर पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे।
तो दोस्तों मैं आपको दिखाया यहाँ का सब्जी मार्केट। बस स्टैंड से हटने के बाद इस गली में लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं पूरा ये गली में सब्जी लगाए हुए हैं। और यहाँ दोस्तों काफ़ी दुर्गंध आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का दुर्गंध है वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। लोग नाक को बांध बांध के बैठे हुए हैं और सब्जी खरीदने आते हैं उनको भी तकलीफ़ होता है। तो मेरा कहने का मतलब है पंचायत से मैं यही निवेदन करूँगा कि इनके लिए बैठने का व्यवस्था जितना जल्दी हो सके कर दिया जाए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग का रोजी रोटी यही है, इसके अलावा हम लोग के पास कोई और धंधा नहीं है। इसलिए पंचायत ज़रूर इनका ध्यान दे और इनको जगह दे, अच्छा सेट बना के दे, ताकि इन लोगों का भी जीवन यापन अच्छी रीति से चल सके, अपने बच्चों को खिला पिला सके, उन्हें पढ़ा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।